बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा सच में, पहन करके कॉटन का है बिल्कुल। और इससे है ना, जो मैं पहले प्लाजा पहनती थी और टी शर्ट पहनती थी, टी शर्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन प्लाजा में है ना जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जहाँ पे मतलब मेरा ऑपरेशन हो रहा है पहला, तो वहां पे खुजली होने लगी थी इस टाइम, तो इसलिए मैंने कॉटन का प्लाजा मंगाया और कॉटन की ये वाली कुर्ती मंगाई है। तो पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कर दूंगे पापा को मेरे लिए इतने बड़े बड़ा थैंक्स कि मेरे लिए इतना कुछ सोचा उन्होंने। और ये क्या है, मैंने कि एक और लेकर के आना, अभी तो इसमें मैंने देखा है इसका कलर निकल रहा है, तो देखूंगी इसका 4-5 बार पहन करके और धो करके इसको, और भी कलर निकलता है या नहीं। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ इसको पहन के और अपनी छोटी सी दीदी के लिए भी, कि अभी एक औरत का क्या सपना होता है, अपने बच्चे के लिए यही सपना होता है कि बस वो माँ बनना भी एक औरत का बहुत बड़ा सपना होता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये वाले फीलिंग्स है ना, मतलब किसी से मतलब तुलना भी नहीं कर सकते इस वाले फीलिंग्स की। बहुत ही अच्छा फील होता है इस वक्त में, आपकी केयरिंग भी बहुत ज्यादा होने लगती है, केयर करने लगती है हस्बैंड बहुत ही ज्यादा, और जो भी कहते हैं मतलब जो भी फरमाइश करते हैं अपने हस्बैंड को वो पूरी हो जाती है। बारिश आई थी अभी अभी, और अभी है ना थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पे है ना हम उसके सन्नू की वेट कर रहे हैं, उसके कपड़े लेकर के बैठी हूँ मैं, कपड़े पहनाने हैं, मुंह हाथ मैंने धो दिया उसके, और बनाना हाउस लेने के लिए गया है, और मम्मी उसको लेकर के जाने के लिए तैयार है, और चप्पल अपनी तो पहनता नहीं है और सबकी छोड़ता नहीं है। कन्नू रेडी है और आज माँ से पहले पहले तैयार हो गया है, और ये जा रहा है ट्यूशन के लिए। माँ पीछे पीछे है, कन्नू आगे आगे है इसकी माँ है आज लेट, क्योंकि कन्नू नहीं कर रहा है माँ का वेट कन्नू आज तो रॉन्ग साइड जा रहा है अब लेके गई है माँ राइट कन्नू को साइड। ट्यूशन भेज करके आ गई हूँ, मुझे साफ सफाई करनी है और थोड़ा सामान की भी देख रेख करनी है, मतलब जो भी सारा सामान है। और ये देखिए दाल है ना, दाल मंगवाई है बेसन पीसने के लिए, बेसन घर का ही हो जाएगा। और जो दलिया है ये आया था मेरा, जैसे वो बच्चे के लिए आता है ना वो रखा हुआ था दलिया, तो ये कम से कम 2 किलो दलिया हो गया है, ये ख़राब ही हो जाएगा क्योंकि हम दलिया बहुत ही कम खाते, कभी कभी बनाती हूँ। तो अभी ये मम्मी और पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी मेरा आने भी वाला है दूसरा दलिया, तो इसको भी पिसवाएंगे, आटा बनवा लेंगे इसका भी, ये सब का सब यूज़ हो जाएगा सारा का सारा सामान। और ये देखिए थोड़ा बहुत इधर सामान पड़ा है, थोड़ा बहुत बेड भी पड़ा है, ये सारी सारी साफ सफाई करनी है और फिर लगानी है उसके बाद झाड़ू। ये देखिए कितना काम फैला रखा है कन्नू ने, बेड पे भी ये इधर कुछ कपड़े इधर फैला रखे है, निकाल के अलमारी में से इधर इधर डाल देता है, तो बच्चा है अभी तो काम फैलाता ही है, वो करता बोलता है। और ये कह रही थी मम्मी तो कि जब तू जब पे में पड़ जाएगी जब क्या हाल होगा इसका, अभी से इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। मैंने कहा हाँ पता नहीं क्या हाल होगा, तो देखा जाएगा जैसे भी होगा, क्योंकि एक बार तो बच्चे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और सोचता है, लेकिन कन्नू है ना वाणिका के आने से बहुत खुश है, और शायद ये एक्सेप्ट भी कर ले दूसरे बच्चे को ऐसे तो बहुत कम बच्चे एक्सेप्ट करते हैं एकदम से, सोचते हैं मेरी मम्मी के पास ये क्यों लेट गया क्योंकि जब मैं हुई थी ना बबली दीदी, मुझे ये कहती थी कि इसको यहाँ से उठाओ और मुझे लिटाओ तो इसीलिए मुझे भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि बबली दीदी के और मेरे बीच में भी काफ़ी गैप है, और बड़ी हो गई थी बबली दीदी काफ़ी जब मैं घर में आई थी। हेलो जी। तो जी अभी मैं यहाँ पे आकर के बैठ गई हूँ, क्योंकि है ना मैंने सारा का सारा काम तो निपटा लिया, बस खाना बनाना बाकी रह गया, ऊपर में भी वेट कर रही हूँ, कल ट्यूशन से बस 1 घंटे के बाद आ ही जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे है ना मंजू दीदी आई थी, मंजू दीदी को तो सिर्फ है ना लड़का ही चाहिए अभी भी, और हमें चाहिए लड़की, क्योंकि वे कहती है कि लड़का ही होगा लड़का ही होगा। और मैंने कहा अगर लड़की होगी जो आप कहोगे वो मिलेगा, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहो कि लड़का ही होगा। तो मतलब फैमिली कंप्लीट हो जाती है, जैसे एक लड़का तो हमारे पास है ही है कन्नू, और कन्नू के बाद जब है ना एक लड़की हो जाएगी तो हमारी भी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि एक लड़की हो जाए, और आगे भगवान की इच्छा है। वैसे मम्मी को भी लड़की चाहिए, मम्मी कहती है कि लड़की भी होनी चाहिए, जिस घर में मतलब लड़की होती है उसके लिए भगवान अपने आप ही खुद ही दे देता है। और लड़कों का क्या है, लड़का तो
है ही है हमारे पास में। और जी इस बार कर्ण के पापा मेरे डॉक्टर के यहाँ से जो दवाई लिखवा करके लाए हैं, चेंज करवा कर लाए हैं, उनसे मुझे ना बहुत ही आराम है, मुझे अच्छा भी फील होता है। और जो मेरी कमर के दर्द है और मेरे पैरों में दर्द है, जिसकी वजह से नहीं तो मैं बोल सकती थी, नहीं मैं उठ सकती थी, नहीं मैं बैठ सकती थी, बस काम करती थी और लेट जाती थी। लेकिन जब से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और थकान भी कम से कम महसूस होती है काम करने के बाद में, जितना भी काम है जितना भी मैं कर पाती हूँ वहाँ तक। और कन्नू को संभालना तो कन्नू खींचना और खींचता से ज़्यादा रहती है कन्नू के साथ में, क्योंकि उसको नाई नाई करानी, उसको पकड़ के सुलाना, उसको पकड़ के पढ़ाना, उसको पकड़ के कपड़े पहनाने बहुत ही मुश्किल है वह ये काम, और ये काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं, ये काम भी और कोई नहीं कर पाता है। सुबह के टाइम खाना नहीं खाया था उसने, दोपहर के टाइम खाना खाया है, और खाना खिलाना भी उसको बहुत बड़ा मामला था जब से हमने फोन दिखाना बंद किया है। और कन्नू ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, पूरे 6 दिन हो गए इसको फोन देखना उसने बिल्कुल बंद कर दिया है, और मुझे इतनी खुशी है ना, बहुत खुशी है, भगवान उसको किसी की नजर न लगाए कि उसने 6 दिन से बिल्कुल भी फोन नहीं देखा है, तो अच्छा भी फील होता है। फोन जैसे जैसे उसने फोन देखना बंद कर दिया है, कुछ उसकी बुरी आदतें हैं जैसे स्कूल ना जाना, स्कूल भी जाने लगेगा इसी तरीके से, अब फिलहाल तो हमने फोन देखना बंद करा दिया, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ रहा है, लेकिन वो शाम के टाइम खुश हो जाता है अपने पापा को देख करके, वो बहुत मस्ती करता है क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा अटैच है। मुझे लग रहा है सेकंड बेबी जो होगा ना वो भी उससे अटैच होगा, उनसे ही अटैच होगा, क्योंकि है ना वे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, वे धमकाते बिल्कुल नहीं है, सारे काम उससे प्यार से करा लेते हैं। जैसे वे कहते हैं कि माँ मेरे लिए दूध बनाना, तो कन्नू कहता है नहीं माँ पापा के लिए दूध मत बनाना, तू मेरी माँ है ना, मेरे लिए दूध बनाएगी ना, तो मम्मी कहती है हाँ मैं तो कन्नू के लिए दूध बनाऊंगी। उसको मतलब दूध पीने का कभी मन नहीं होता था, वो पीता नहीं था बिल्कुल भी, और वो अपने पापा को इस तरह करके उसके पापा उसको दूध भी पिला देते हैं, अपने पापा से बहुत ही प्यार करता है। मैंने ये देखा है कि बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा अटैच रहते हैं, लेकिन मैं उसको धमकाती हूँ, प्यार भी करती हूँ और धमका देती हूँ ना, तो ये कहता है कि मम्मी आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो धमकाना भी पड़ता है बच्चे को, धमकाना भी बहुत ज़रूरी है। एक एक इस मतलब एक तो सॉफ्ट रहे, लेकिन एक को थोड़ा सा क्या होना पड़ता है, सख्त होना पड़ता है कि कभी आपको बच्चा लाड़ प्यार में ज़्यादा बिगड़ ना जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी उसके प्रति है ना थोड़ी सी कठोर सी रहती हूँ, कि मैं सोचती हूँ सब उसको प्यार ही करते हैं, तो मैं थोड़ी सी उसके लिए सख्त रहूंगी तो ये बिगड़ेगा नहीं, कम से कम एक बंदा होगा जिससे वो डरेगा, जरूर डरना चाहिए थोड़ा बहुत घर में, ऐसा नहीं है कि किसी से डरना ही नहीं चाहिए। बिस्किट दिए मैम जी ने, वाह कितनी अच्छी बात है, बिस्किट खाओगे, आपको यहाँ पे नहीं मिलते बिस्किट। माँ नहीं पढ़ी थी, माँ को तो पढ़ाना चाहिए था जरूर, माँ को तो पढ़ना बहुत जरूरी है, इस उम्र में भी माँ से जो काम करवाओगे। कन्नू कन्नू की माँ जो है लेट गई आते ही थक गई थी, और कन्नू है ना ग्लूकोन डी चाट रहा है, कोई कोई तो बच्चा पीता है लेकिन ये चाट रहा है इसको क्योंकि इसने है ना आधी आधी कटोरी पी ली है, और ये एक बार और बनवा दिया है अभी, और इसको है ना पिया नहीं जा रहा है ये अभी, इसलिए इसको चाट रहा है। और ये इसका बैग है जो मुझे रखना पड़ेगा, वाटर बॉटल भी है ना कन्नू, आपको नहीं रखना चाहिए अपना बैग, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया, मैं आ गया हूँ जी अपने ऑफिस से, और आते ही मैंने देखा यहाँ पर कन्नू का खोप, कन्नू का खोप देखने को नजर आया मुझे आज,
पहली बार देखा है मैंने कि कन्नू का इतना खौफ है कि ये दो भाई यहाँ छिपकर अंदर रूम में बैठे हुए बिना फैन के फोन थोड़ा बहुत चला रहे हैं, और यहाँ इसलिए बैठे हैं कि अगर बाहर कन्नू ने गलती से भी देख लिया तो फोन रखवा देगा इनका, तो इन्हें यहाँ छिप कर काम करना पड़ रहा है जो भी कुछ कर रहे हैं। तो मुझे कन्नू को इनके पास भेजना ही पड़ेगा अभी, आप लोगों के आगे ही कन्नू को इनके पास भेजता हूँ, अब देखो वो इनका फोन कैसे रखवाता है। कन्नू तो आप क्या देख के आए अभी, टीवी देख के आए आज थोड़ा सा है ना, टीवी में क्या देखा आपने? आँख तो नहीं, टीवी से आँख खराब नहीं हुई, आपने दूर बैठ के देखा था ना वो, वैसे देखा क्या टीवी में आपने? हाथी निकला मेरा, हाथी हाथी मेरा साथी मूवी आ रही थी तो बहुत पसंद आया हाथी, और कन्नू के ताऊजी ने इसको दिखा दिया कि देखो हाथी कितना लाड करता है, अपने मालिकों का कितना ध्यान रखता है और कितना प्यारा है। और अभी मैं कन्नू को बताने वाला हूँ कि अंदर बैठ के वे दोनों फोन देख रहे हैं। कन्नू क्या वो सही है, वे दोनों फोन देख रहे हैं बच्चे, देखो है ना, उनको बोलो फोन रखो। है क्या, अभी उनको समझा के क्या समझाएगा उनको? चलो भाई, कन्नू की बात मान ली इन्होंने और फोन बंद कर दिया दोनों ने। इधर चल रहा है बॉबी का डिनर, जो कि सबको कराने के बाद में खुद भी डिनर कर रही है, और हम सब लोगों ने खा लिया है, माँ ने भी खा लिया डिनर, बस अब मेरी माँ की बारी है कन्नू को दूध पिलाने की। अभी कन्नू बचा हुआ है, कन्नू रह गया क्योंकि कन्नू आज बिजी था अपने ताऊजी के साथ में, वो उधर देख रहा था हाथी मेरा साथी, तो जिस कारण वो खाना खाने नहीं आया, पर अब आ चुका है। और अब कन्नू से पूछते हैं कि कन्नू को भूख लगी है क्या, कन्नू खाना खाओगे? ये बच गया, गिरता गिरता बच गया। इधर मेरे आते ही पिताजी ने टीवी बंद कर दिया और यहाँ पर आके बैठ गए हैं, क्योंकि मैंने पूछा टीवी बंद क्यों गया, तो बोल रहे हैं कि व्लॉग में आवाज आती है फिर टीवी की, तो आवाज साफ नहीं आती है। तो जी चलिए, खैर अभी पिताजी ने टीवी बंद किया है और उसके साथ साथ कन्नू मेरे पीछे पीछे यहाँ पर पिताजी के पास आ गया। तो जी अभी अभी कन्नू बताएगा कन्नू ने पढ़ाई कितनी की है। कन्नू मेरा गला छोड़ दो, कितनी करी पढ़ाई? नहीं बताएगा कन्नू कन्नू ने कितनी पढ़ाई की है। अब ये ऐसे ही करते रहेगा, यहाँ पर आकर परेशान करेगा पिताजी को, और मेरे पिताजी को परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात देखो जी, मुझे लगता है दादा पोते का झगड़ा होने वाला है इस चीज़ के ऊपर ही। पिताजी इसको पिटाई कर देनी चाहिए आपको, है झगड़ा झगड़ा हमारा नहीं होने वाला है, आपका झगड़ा होगा। पिताजी स्विच ऑफ करते हैं और कन्नू जाके ऑन कर देता है, ये ऐसे करते रहेगा पिताजी, इसके डांट लगानी पड़ेगी। तो जी चलिए, मैं तो चल देता हूँ, मैं तो चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो ना झगड़ा ज़्यादा हो गया। और अब ड्राइव ऑफ कर दो, ये लो ये मेरी गोदी पीछे लटक गया है और मानता नहीं है, ऐसे ही करता रहता है, पीछे से मुझे पकड़ना पड़ता है इसको। और पिताजी इसकी ना आप डांट लगाते नहीं लगाते आप इसको दिन में? अच्छा, जब इसको कन्नू को डांट लगती है, कोई भी डांट लगाता है तो इसको गुस्सा आता है और सारा सामान फेंकने लगता है, ये इसकी बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए कन्नू। क्यों करते हो ऐसे, सारा सामान क्यों फेंकने लगते हो, उससे क्या ठीक हो जाती है कुछ चीज? पर बताओ, पर कुछ नहीं है। तो चलिए जी, अभी अपनी वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।